आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, देखिए x प्लस 1 दिया गया है ए फैक्टर, तो इक्वल टू हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब जो माइनस 1 है x के वैल्यू, अब हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल टू माइनस 1 का क्यू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ओके, देखिए माइनस 1 का क्यू करेंगे तो माइनस 1 होगा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए अब होगा क्या, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये कट जाएगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 0। इसी प्रकार यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, इसी प्रकार आप ये लिख सकते हैं, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का बात करें, सेकंड क्वेश्चन में है एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी प्रकार हम लोग इसमें माइनस 1 पुट करेंगे, तो माइनस 1 के पावर 4 हो जाएगा, इसी प्रकार माइनस 1 का पावर 3 और माइनस 1 का पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। ओके, इसी प्रकार देखिए माइनस 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 होगा, फिर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 फिर यहाँ प्लस 1। देखिए ये कट गया, यहाँ से भी कट जाएगा, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1। ओके, तो इसका ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज नॉट ए 0। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट इट्स फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, क्वेश्चन है देखिए x के पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ भी x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, देखिए माइनस 1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का पावर 2, इसी तरह करके वैल्यू पुट कर दी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 3, फिर 3 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए ये तो कट गया, एक देखिए यहाँ प्लस एक माइनस यहाँ से कट गया, ओवरऑल हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट ए 0। ओके, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट इट्स फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर तो कितना है, 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। सिर्फ ये क्वेश्चन है, अब हम लोग को x की जगह माइनस 1 पुट करना है। देखिए माइनस 1 का पावर 3, फिर हो जाएगा माइनस 1 का पावर 2, हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2। यहाँ तक लिख लिए, अब करना क्या है, माइनस 1। ओके, फिर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 प्लस रूट 2। ओके, इसी प्रकार इसके बाद यहाँ वाला एक रूट 2। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 और ये खत्म हो गया। ओके, तो ओवरऑल 2 रूट 2, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर
नॉट ज़ीरो, देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर। यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बात करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें है पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ओके, जहाँ जी एक्स इक्वल टू है x प्लस 1। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है इसमें लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। ओके, देखिए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो प्लस है, उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। टू बी सब्सिट्यूटेड इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग माइनस 1 पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 1। देखिए 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, देखिए माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। देखिए ये कट जाएगा, ये भी यहाँ से कट जाएगा, ओवरऑल 0। तो यहाँ लिखेंगे सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। इसमें है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, इसमें है जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखिए एक्स प्लस 2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या होगा? माइनस, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2। इसी प्रकार इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ माइनस 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। इसी प्रकार इसको यहाँ से करेंगे माइनस 8 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा? प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस 6 हो जाएगा प्लस 1। इसी प्रकार देखिए माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1। देखिए 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस 14। तो ओवरऑल माइनस 1। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, क्वेश्चन है देखिए एक्स एक्स माइनस 3। ओके, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो जो इक्वेशन है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। तो देखिए एक्स का वैल्यू 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 का पावर 3 करेंगे, माइनस 4 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? देखिए 3 का क्यू करेंगे तो 27, और ये 9, 9 फोर जा 36 प्लस, ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 9। अब इसको और यहाँ ऐड करेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा 36 माइनस 36, 36 माइनस 36, तो ओवरऑल ये 0। इसी प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफोर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एक्स, जो इक्वेशन दिया हुआ है ये फैक्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, पी एक्स इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, और जो इक्वेशन दिया गया है
एक्स माइनस वन। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ माइनस है उधर जाके क्या होगा प्लस, तो एक्स इक्वल टू वन। तो ओवरऑल हम लोग को करना क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट करेंगे, तो पी वन, तो वो देखिए वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के। अब देखिए करना क्या है, वन हो जाएगा प्लस वन प्लस के। तो इसी प्रकार ये दोनों को जोड़ेंगे तो टू हो जाएगा प्लस के। तो ये देखिए प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस, तो के इक्वल टू माइनस टू। देखिए हम लोग के का वैल्यू इसमें फाइंड कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। तो इसमें भी वही है एक्स माइनस वन, देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट करेंगे, पी वन टू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू, तो हो जाएगा टू प्लस के प्लस रूट टू। यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं के प्लस टू प्लस रूट टू। अब देखिए दोनों को पलट देंगे बराबर का इस साइड कर देंगे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस रूट टू। ओके ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। तो इसमें है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। देखिए x इक्वल टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वन फुट करेंगे, k वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा k माइनस रूट टू प्लस वन। ओके तो ओवरऑल इसमें लिख सकते हैं k इक्वल टू रूट टू माइनस वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, इसमें है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। यहाँ भी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट करेंगे, तो पी वन इक्वल टू हो जाएगा के वन का स्क्वायर माइनस थ्री वन प्लस के, यहाँ क्या हो जाएगा के माइनस थ्री प्लस के। तो ओवरऑल टू के माइनस थ्री यहाँ तक लिख लिए। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिए तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री बाय टू। ओके इक्वल टू करेंगे तो थ्री माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, टू डिवाइड में आ जाएगा, तो के इक्वल टू थ्री बाय टू। क्वेश्चन नंबर फोर का बात करें, देखिए फैक्टराइज फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन। तो ओवरऑल करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ नंबर को लास्ट वाला से इंटू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ट्वेल्व। अब ट्वेल्व को ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि माइनस करने पर, देखिए यहाँ माइनस साइन है, माइनस करने पर या फिर ऐड करने पर सेवन आना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे फोर, यहाँ थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस फोर और माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस सेवन। तो हम लोग इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन। तो यहाँ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये दोनों में से आप फोर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन, और ये दोनों में से अगर माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन। ओके ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री। अब हमने सबसे पहले क्या बताया था कि ई दोनों को इंटू करना है, तो हो गया सिक्स। ओके अब देखिए ई दोनों को ऐसे तोड़ेंगे जो कि
फैक्टराइजेशन करने पर, गुना करने पर 6 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ हम लोग तोड़ेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 2x² + 6x + x + 3। अब ये दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x + 3। इसके बाद +1 यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा तो x + 3। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा 2x + 1, इसके बाद x + 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 6x² + 5x - 6। सबसे पहले ये दोनों को इंटू करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। और 36 को ऐसे तोड़ेंगे जो कि प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर 5x आए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9 और 4 9 4 जा 36। तो यहाँ लिखेंगे 6x² + 9x - 4x - 6। अब देखिए ये दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3x को, 3x कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 2x + 3। यहाँ -2 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 3। ये दोनों को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 3x - 2। इसके बाद ये दोनों में से सेम है इसलिए ए को लिखेंगे 2x + 3। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 अगर बात करें, देखिए 3x² - x - 4। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि 3 × 4 को कितना हो जाएगा 12, और 12 को ऐसे तोड़ना है जो कि माइनस एक्स आ जाए। यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ इस प्रकार लिखेंगे 3x² - 4x + 3x ओके -4। अब देखिए ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 4। इसी प्रकार यहाँ +1 अगर करें तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4। सबसे पहले x इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा x + 1। ये दोनों सेम है इसलिए एक लिखेंगे 3x - 4। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 की ओर चलें।